ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैजयंती माला का ब्रेसलेट। जी हाँ, तो आज मैं आपको वैजयंती माला का ब्रेसलेट दिखाऊंगा, उसकी जानकारी बताऊंगा, पहनने की विधि, क्या फायदे होते हैं सब दिखाऊंगा आपको। और वैजयंती माला का ब्रेसलेट दिखाऊंगा। वैजयंती माला की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, क्योंकि वो खाली माला की, आज मैं आपको ब्रेसलेट दिखाऊंगा उसका, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट जानकारी आ रही थी, इंक्वायरी कर रहे थे कि उसका ब्रेसलेट दिखाइए, छोटा ब्रेसलेट वगैरह। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा उसकी जानकारी। ये देखिए वैजयंती माला की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। ये है वैजयंती माला दोस्तों, ये देखिए, ये ब्रेसलेट बना हुआ है, ये धागे में बना हुआ है, धागे में ही सही रहता है। ये देखिए पेच लग के वैजयंती माला का ब्रेसलेट है। वैजयंती माला मैं आपको बता दूँ, इसका पौधा होता है, बहुत लोग घर में भी लगाते हैं, घर में ही लगाते हैं। उसमें होते हैं वैजयंती, दो तरह की होती है, एक ब्लैक और एक वाइट। ये सफ़ेद वाली है, वाइट थोड़ी कम आती है, बहुत कम रेयर होती है, ये ज़्यादा मिल जाएगी आपको हर घर में। पौधा कुछ लोग लगाते हैं, तो पौधा कोई भी लगा सकते हैं, ये कईयों के घर में भी होते हैं, वो बताते हैं। इसमें के जो छेद होता है वो नेचुरल होता है, ये देखिए इसमें जो छेद होता है नेचुरल होता है, बस सुई से आपको खोलना पड़ता है, आपको अलग से छेद नहीं करवाना पड़ेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है पूजा पाठ में। ये है छोटी सी चीज़, मतलब रीजनेबल प्राइस की है, लेकिन इसका महत्व पूजा पाठ, अगर सही तरीके से इसकी पूजा की जाए, बहुत ज़्यादा ही फल देती है वैजयंती माला। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वैजयंती माला जो होती है वो, उससे किशन जी का जाप करता है, विष्णु जी का जाप होता है, दो भगवान जी का जाप होता है उसमें। ये इसमें विष्णु जी का वास होता है, किशन जी का होता है। आपने देखा किशन जी को वैजयंती की माला चढ़ती है उनकी मूर्ति पे, या उनके आपके ऑफिस में घर में हो, तो इससे किशन जी का जाप करते हैं, विष्णु जी का भी साक्षात वास होता है। जिस घर में वैजयंती की माला होता है उसमें साक्षात विष्णु जी की, किशन जी की कृपा बनी रहती है। तो इसकी माला जैसे मैंने आपको दिखाई थी 108 दाने की होती है, उससे जाप करते हैं, लेकिन उसका धागा थोड़ा कमजोर होता है, वो बाद में टूट वगैरह जाती है, इसलिए वो खाली आपको जाप करने के लिए रखनी है। लेकिन ये ब्रेसलेट है, इसको आप हाथ में पहन सकते हैं, और जो मूर्ति वगैरह होती है लड्डू गोपाला, उनको भी पहना सकते हैं। कुछ कस्टमर आते हैं जैसे छोटी माला मांगते हैं, बड़ी माला जो होती है तो 108 दाने की वैजयंती की, उसको 2-3 बार फोल्ड करना पड़ता है, कई बार वो सेटिंग नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तो उस हिसाब से। तो ये ऐसे हमने ऐसे बनवा रखे हैं ब्रेसलेट वगैरह, इसको उनमें पहना सकते हैं, किशन जी को, विष्णु जी को, और आप हाथ में भी पहन सकते हैं, किसी भी बना सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं। कोई भी ब्रेसलेट है उसमें कोई नुकसान वाली या साइड इफेक्ट वाली बात नहीं। ये देखिए वैजयंती माला का है, जैसे कि मैंने बताया, देखिए इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले पूजा पाठ में आपको पता है किशन जी का, विष्णु जी का वास होता है, बाकी इसकी पूरा जो डिटेल है वो विष्णु सहस्त्र और महाभारत में भी लिखा हुआ, उसमें आप किताब में पढ़ सकते हैं, तो उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी नेट वगैरह पे है ही है, और अच्छी जानकारी आपको उसमें भी पढ़, तो आप इसको पूजा करके पहन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए ब्रेसलेट है, आप मूर्ति किशन जी को पहना सकते हैं, विष्णु जी की वैजयंती माला है। तो ये आपको खासकर बताऊँ, नकली नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि रीजनेबल होती है, इसके घर में पौधा वगैरह भी होता है, कुछ बनाते हैं, लेकिन मार्केट में ये पक्के धागे में बनी हुई है, इसमें नेचुरल छेद होता है। ये देखिए इसके, मैं आपको बता दूँ, इसके हर मोती थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे, टेढ़ा मेढ़ा छेद होता है, क्योंकि नेचुरल होता है, इसका पौधा होता है। ये देखिए ये स्कार का है, ये देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको दिख रहा होगा, नेचुरल रियल की यही पहचान होती है। कोई भी रियल चीज जैसे मैं दिखाता हूँ रुद्राक्ष को भी स्टोन, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता, उसमें कुछ नेचुरल आता है, जैसे मोती वगैरह में, ऐसे ही वैजयंती माला में। इसको आप पहन सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ब्रेसलेट के रूप में धारण करिए आपको पूजा पाठ में, और फल मिलेगा आपको, साक्षात विष्णु और किशन जी का वास होता है इसमें। तो इसकी माला तो मैंने दिखाई रखी है आपको, ये ब्रेसलेट दिखा दिया, ये छोटा, और हाँ ये इसमें बता दूँ, मैंने 27 बीट्स है, ये 27 का बना रखा है, ताकि आपको फल मिले। नॉर्मल ब्रेसलेट बनाते हैं वो 18-20-22 दाने का होता है, तो वो अलग होता है, फैंसी के हिसाब से होता है, जैसे कायदा है, जैसे सुमरनी है, मैंने बता रखा है सुमरनी 27 दाने को, ऐसे ये ब्रेसलेट बना रखा है 27 दाने का, ये 27 है, इसको 4 बार करेंगे 108 हो जाएगा, पर ये जाप के लिए नहीं, खाली पहनने के लिए आप पहना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वैजयंती माला का ब्रेसलेट दिखा दिया, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।